लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं देखता हूं कि ईद को हम खुशियों का इजहार करते। जब ईद आती थी तो हुजूर क्या करते थे पता है? अब जरा यहां ध्यान से सुने, हुजूर की नबवी ईद सुन्नत वाली ईद क्या है। अगर आज ऐसी ईद मना ली सच्चे दिल से, मेरी भी मगफिरत और आपकी भी मगफिरत। लेकिन हुजूर वाली ईद नुमाइशों वाली ईद नहीं, लीडरों वाली ईद नहीं, इल्मे जाहिर के परस्तारों की ईद नहीं, हुजूर की सुन्नतों वाले ईद। जब ईद आती थी तो हुजूर अलैहि सलाम ये करते थे कि जितने जंगी कैदी होते, जंगी कैदी जिनको कैद में डाला जाता, हुजूर फरमाते कसूर कुछ भी हो छोड़ो, आज हमारी ईद आ गई, इन सबको आजाद कर दो। हुजूर सबको छोड़ देते थे, सबको माफ करो। यानी ईद का दिन मुसलमानों की आम माफी का दिन है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों नमाज ईद के लिए जा रहे हो ना, फरिश्ते भी आते हैं नमाज ईद में शरीक होने के लिए, जुमा में, ईदैन में। तो कहा ईद के लिए जा रहे हो ना, तो मेरे बंदे जितने नमाज के लिए आएंगे उन सबको मेरी तरफ से पैगाम देना कि अल्लाह ताला ने तुम सबकी मगफिरत कर दी, तुम सबको माफ कर दिया। हम सब माफ कर दिए जाते हैं, तो अब माफ वही होगा जो किसी को माफ करेगा। ईद के दिन दोस्तों से गले मिलने वालों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ईद के दिन दुश्मन से भी गले मिल लें? सगे भाई का घर बाजू में है और हम ईद के दिन नहीं जा रहे हैं, आपकी ईद नहीं, नए कपड़े पहने ईद नहीं। बहन है घर में रो रही है और आपसे छोटे से झगड़े की वजह से आप उसके घर नहीं जा रहे हैं, आपकी सबकी ईद हो सकती है, आपकी नहीं है। तो आज ईद कैसे मनाएंगे? आपको किसी ने कितनी भी तकलीफ पहुंचाई, कितनी भी अजियत पहुंचाई है, उसको माफ करें। क्या सोच के माफ करें? उसने आपको दुख दिया, उसने आपको तकलीफ पहुंचाई, उसने आपको गाली दी, उसने आपको सताया, अब आपकी वजह से वो जहन्नम का अजाब भुगतेगा। बोलो तकलीफ किसको होगी? उम्मती जहन्नम में जाएगा, तकलीफ किसको होगी? हुजूर को होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपकी समझ में आ रही है? उम्मती जहन्नम में जाएगा, तकलीफ किसको होगी? हुजूर को होगी। क्या आप में से कौन चाहता है कि हुजूर को तकलीफ? जब सैयदना फारूक आजम पर एक शख्स ने हमला किया, खंजर से हमला किया, और आप जमीन पर आ गए, और फिर हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने नमाज पढ़ा दी, तो आपका पहला सवाल यह था मेरा कातिल कौन है, मेरा कातिल कौन है? और किसी ने कहा हजरत आपका कातिल मजूसी है, आग परस्त है, काफिर है। आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं है। तो किसी ने पूछा फारूक आजम अगर आपका कातिल मुसलमान भी होता तब भी आप शहीद होते, क्योंकि किसी को कत्ल कर दे मुसलमान तो भी वो शहीद है, फिर आप ये क्यों कहते अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा कातिल काफिर है मुसलमान नहीं है? फरमाया नादान अगर मेरा कातिल मुसलमान होता तो मेरे कत्ल की वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़ता, और वो मेरे वजह से जहन्नम में जाता, मेरे मुस्तफा करीम को तकलीफ होती। तो काफिर जहन्नम में जाए उसका ठिकाना तो जहन्नम ही है, मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में ना जाए। तो अगर हमने अपने दिल दुखाने वाले को, तकलीफ पहुंचाने वाले को माफ नहीं किया, तो अपनी वजह से वो जहन्नम में जाएगा, या दुनिया में अपनी वजह से वो मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। तकलीफ किसको होगी? अरे उस नादान को मत देखो जो तुम्हारा दिल दुखा रहा है, उस महबूब को देखो जो गुंबदे खजरा में आराम कर रहा है। इसलिए अगर भाई ने दिल दुखाया, बहनों ने दिल दुखाया, दोस्तों ने दिल दुखाया, अहबाब ने दिल दुखाया, और वो अहले ईमान है, तो नमाज शुरू होने से पहले मैं आपको आपके नबी का वास्ता, मेरे नबी का वास्ता देकर कहता हूं, गर्दन झुकाकर आधे मिनट के लिए उन बंदों का तसव्वुर कर लो और अर्ज करो अल्लाह मेरे दिल दुखाने वाले, मुझे तकलीफ पहुंचाने, मुझे सताने वाले को सिर्फ तेरे महबूब की खुशी के लिए मैं माफ करता हूं। अगर आपने ऐसा कर दिया और हो सके तो यहां माफ करके जरा जाकर
उसको इत्तला भी दे देना, या मैसेज भी कर देना, या फोन भी कर देना कि भाई मैंने तुझे माफ कर दिया, अगर हो सके तो, वरना इतना माफ करना ही काफी है। बोलो हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? बहन भाई रिश्तेदार अगर रूठे हो तो हम आज के दिन उनको मना लें। और ये दिन आता इसीलिए, देखो और दिन मिलने के लिए जाओगे ना तो आपको अचंभा लगेगा, अजनबीपन लगेगा, यार ये क्या हो गया। लेकिन ईद के दिन जाओगे ना तो लोगों को उसको भी शौक होगा और आपको भी शौक होगा कि यार तो है ही आज का ईद का दिन ना, तो आज माफी का दिन है। बोलिए ऐसा हो सकता है? अना को फना करो। और याद रखना, माफ करने वाला छोटा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। और यह भी याद रखना, माफ करने वाला सताने वाले से ज्यादा बेहतर होता है। हुजूर को मक्के के काफिरों ने कितना सताया, लेकिन जब वो सामने खड़े रहे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं। उन्होंने कहा था, आप करीम इब्ने करीम है, आपसे तो करम की उम्मीद की जा सकती है। हुजूर फरमाते हैं, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। तो माफ करना अपने नबी की सुन्नत है, माफ करना अपने अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह को माफ करना पसंद है। जरा हाथ उठा करके मुझे इशारा दें कि कौन कौन ऐसा बंदा है जो हुजूर को खुश करने के लिए अपने को तकलीफ देने वाले को माफ करता है। आधा मिनट सब सर झुकाकर अल्लाह से अर्ज करें, अल्लाह से बातें करें, मेरे अल्लाह मैंने तेरे महबूब की खुशी के लिए अपने दिल दुखाने वालों को माफ़ कर दे। कोई हमें कुछ कहें, हम अपना दिल बड़ा रखें और हम लोगों को माफ़ करें, हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करें। माफ़ करोगे माफ़ किए जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे।